लकड़गंज थाना अंतर्गत शनिवार तड़के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह की वजह से 2017 से ही वे दोनों एक ही मोहल्ले में अलग अलग रहते थे। फिलहाल लकड़गंज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पति पत्नी का रिश्ता बाकी सभी रिश्तों से अलग होता है, जिसमें भरपूर प्यार भी होता है और कभी कभी तकरार भी। ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की भावनाएं बिना कहे ही समझ लेते हैं और इसी वजह से समय के साथ रिश्ते और भी मजबूत होते चले जाते हैं। लेकिन समय रहते अगर इन्हें ना संभाला जाए तो ऐसे रिश्ते कभी कभी टूटने के कगार पर भी आ जाते हैं। दरअसल एक ऐसा ही वाकया शनिवार सुबह लकड़गंज थाना अंतर्गत देखने को मिला, जहां आरोपी रामदास बोरीकर और उनकी पत्नी पारिवारिक कलह की वजह से एक ही मोहल्ले में 2017 से अलग अलग रह रहे थे। आने वाले 9 जून को उनके बेटे सतीश बोरीकर की शादी होने वाली थी और उसी का कार्ड लेकर छाया बोरीकर अपने पति रामदास बोरीकर के पास सुबह 7 बजे गई थी। वहां किसी बात पर बहस छिड़ी और तैश में आकर 52 वर्षीय रामदास पुरीकर ने अपनी पत्नी को चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। ऐसी जानकारी लकड़गंज थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इन्होंने BCN समक्ष दी। तक्रारदार सतीश बोरीकर यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली की त्याचे वडील मागील 5 वर्षापासून 2017 पासून हे वेगळे राहायचे कौटुंबिक वादामुळे आणि त्याचं स्वतःचं लग्न होतं। त्याच्या लग्नाचं आमंत्रण देण्याकरता त्या लग्नाला येण्याकरता बोलवण्याकरता त्याची आई आज सकाळी 6:30 वाजताच्या दरम्यान वडिलांना बोलवण्याकरता गेली असता कौटुंबिक वाद उफाळून येऊन त्याच्या वडिलांनी त्याच्या आईची चाकूने गळ्यावर पोटावर व शरीरावर इतरत्र वार करून हत्या केली आहे। अशा तक्रारीवरून 302 गुन्हा दाखल करून तपासात घेतला आहे। आरोपी नामे रामदास बोरीकर हे आमच्या ताब्यात आहे, पुढील तपास सुरू आहे। मृतक ही हिचे नाव छाया बोरीकर असून ती मागील 5 वर्षापासून विभक्त राहत होते आणि त्यांच्या कौटुंबिक वाद होता। खैर, इस वाक्य के बाद आरोपी पति ने खुद लकड़गंज थाने पहुँच कर अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इस हादसे से एक बात तो समझ में आती है कि गुस्सा रिश्तों और सेहत दोनों का ही दुश्मन होता है। ज़रूरी है अपने गुस्से पर काबू पाना, तभी जाकर आप अपने वैवाहिक जीवन में सही मायने में सफल हो पाएंगे। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित हरोडे की रिपोर्ट।